आज का है, ये 13 नंबर पे है। एक्स क्यूब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्स की पावर 8 डीएक्स, एक्स क्यूब अपान 1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू डीएक्स, ये क्वेश्चन आपको दिया गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाएंगे समझिए। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि टी किसको हम माने। ठीक है, यहाँ पर टी मानना मेन पॉइंट है कि हम टी किसको माने। ठीक है, देखिए एक्स क्यूब अपान 1 प्लस एक्स क्यूब आपको लिखा है, तो कैसे करेंगे दोस्त। देखिए एक्स पावर 8 लिखा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं एक्स क्यूब अपान 1 प्लस, समझिएगा एक्स क्यूब अपान 1 प्लस एक्स की पावर 8 लिखा है ना आपका, तो इसको लिख दीजिए एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। कहने का मतलब हमारा ये है कि आपको जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए तो ये आप समझिए कि जो नीचे वैल्यू दी गई है इसको हम किसको टी माने जिससे ऊपर वाला पूरा का पूरा कैंसिल हो। तो अगर हम एक्स की पावर 8 को टी मान लेते और उसका डिफ्रेंसिएशन करते तो आपका आता 8 एक्स की पावर 7 आता, लेकिन अगर इसी का हम एक्स की पावर होल एक्स एक्स पावर 4 का होल स्क्वायर करके लिखेंगे तो ये आपका कैंसिल होगा। आप देखते चलिए कैसे हो रहा है। तो एक्स क्यूब अपान 1 प्लस क्या हुआ दोस्त, एक्स क्यूब अपान 1 प्लस इतना हो गया। अब क्या करिए, आप लिखिए माना एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 जो अंदर है एक्स की पावर 4 को क्या मान लीजिए टी। तो इसका अब क्या करेंगे, जो टी मानते हैं उसका क्या करते हैं हम डिफरेंशिएशन। तो ये आपका हो गया 4x³, ठीक है, इंटू डी एक्स, और इस साइड क्या हो गया डी टी। तो कुल मिलाकर डी एक्स बराबर कितना आ गया, डी टी अपान 4x³, ये वैल्यू आपको मिल गई। सिंपली यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब लिखा रहने दीजिए, 1 प्लस एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर है, चूंकि हमने एक्स पावर 8 था। अब होल स्क्वायर तो मतलब टी ए, तो यहाँ पर हो गया इसका स्क्वायर है तो टी का स्क्वायर, इंटू डी एक्स, डी एक्स की वैल्यू जो है वो डी टी अपान 4x³ है। क्या समझ पा रहे हैं आप, मैंने जो लिखा है चीज़ों को आप समझिए। ठीक है, अब एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो रहा है, वही हम आपसे कह रहे थे ना, देखिए कैंसिल हो गया ना। तो वही कह रहे थे आपको टी यहाँ पर जो वैल्यू नीचे दी जाती है उस जिसको आप टी मार रहे हैं, जो टी मार रहे हैं क्या वो टी मारने से पूरी की पूरी ऊपर या नीचे जो भी वैल्यू दी गई वो पूरा का पूरा कैंसिल होना चाहिए। कहने का मतलब जिसको आप टी मार रहे हैं उसके माध्यम से आपका पूरा आपका कैंसिल होना चाहिए। ओके, अब देखिए कैंसिल हो गया, अब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन टी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। 1/4 को आप बाहर कर दीजिए और यहाँ पर हो गया आपका डी टी अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, डी टी अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1/4 बाहर। इसका आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, इसका फार्मूला क्या होता है, तो 1 अपान जैसे लिखा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 अपान डी एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, तो उसका फार्मूला होता है 1 अपान ए tan inverse x/a + c। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि यहाँ पर लिखा है ए, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1/a, मतलब यहाँ पर 1 है, तो फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ उस साइड आप देख लीजिए। अगर आपको लिखा हुआ है टैन इनवर्स, एक मिनट दोस्त, टैन इनवर्स कहाँ पर होगा, यहाँ पर समझिए, जैसे लिखा है आपका डी एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर लिखा है, ठीक है, इसको डी टी कर लीजिए, डी टी अपान ये लिखा है, तो इसका फार्मूला होता है 1 अपान ए टैन इनवर्स टी अपान ए प्लस सी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ए की जगह पर 1 है, तो 1 अपान 1 करने का कोई मतलब नहीं, वही होता है, ठीक है, 1 का कोई इसमें वो नहीं, तो 1 अपान ए टैन इनवर्स टी अपान ए, मतलब टी और अपान में ए, ए मतलब यहाँ पर क्या है 1 है, 1 का आप स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, 1 का क्या आप लिख सकते हैं समझने के लिए, 1 का स्क्वायर, तो 1 अपान टी अपान ए हो गया प्लस क्या सी। तो कहने का मतलब यहाँ पर हो गया 1/4 टैन इनवर्स टी प्लस सी, आंसर कितना आ जाएगा 1/4, मैं यहाँ पर आंसर लिख दे रहा हूँ 1/4 टैन इनवर्स टी, टी किसको आपने माना था एक्स की पावर 4 को, एक्स की पावर 4 प्लस सी, 1/4 टैन इनवर्स एक्स की पावर 4 प्लस सी, इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर, ठीक है, ये क्वेश्चन का कंप्लीट ये आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको देखते हैं, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। उससे पहले मैं आपको 14 से पहले 15 क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए इसको हटा रहा हूँ। इसमें थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि टी हम किसको मार रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा, ठीक है, और प्रैक्टिस की है तो आपको कुछ भी नहीं सोचना, तुरंत आप क्वेश्चन लगा जाएंगे,
बस प्रैक्टिस के ऊपर है चीज़ों को किसको, देखिए जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप समझ पाते हैं कि क्वेश्चन किसको हम टी मान रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इसका कोई ऐसा ज्ञान आप नहीं ले सकते हैं कि डायरेक्ट आप समझ पाएँ किसको टी माना। बस प्रैक्टिस कीजिए चीज़ों को, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तब समझ पाएंगे कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है दोस्तों कि टेन क्यूब एक्स इंटू सेक की पावर 5x इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन दिया है। अगर आप लगा रहे हैं या देख रहे हैं क्वेश्चन को तो तुरंत इसको लगाने की कोशिश कीजिए, ये क्वेश्चन आपको मैंने दे दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को लगाइए, ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को लगाने की पूरी कोशिश कीजिए। ये दिया है टेन क्यूब एक्स इंटू सेक की पावर 5x इंटू डी एक्स, ये कैसे आप लगाएंगे, देखिए क्वेश्चन कैसे लगेगा। किसको हम टी माने, टेन को माने या सेक को माने, स्क्वायर को माने, किसको माने, समझिए। अगर हम यहाँ पर sec x को t मानते हैं, किसको मानते हैं, माना sec x बराबर कितना, sec x इक्वल टू t आपने मान लिया, तो sec x इक्वल टू t मानेंगे तो इसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो डिफ्रेंसिएशन sec x का क्या होता है, sec x इंटू टेन एक्स होता है इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या, डी टी, अर्थात यहाँ पर डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, डी टी अपान sec x इंटू टेन एक्स, ये वैल्यू आपको मिल गई डी एक्स इक्वल टू। ओके, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, टेन क्यूब x है इसको छोड़ दीजिए, अभी टेन क्यूब x लिखा रहने दीजिए। ठीक है, टेन क्यूब x इंटू sec x को आपने t माना है तो आप इसको क्या लिखेंगे, sec को t माना है तो आपका t की पावर 5 हो जाएगा, डी एक्स की जगह पर आप लिखेंगे डी टी अपान sec x इंटू टेन एक्स। ओके, अब देखिए एक आपका टेन उड़ेगा मतलब कैंसिल होगा, समझ रहे हैं आप, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इससे एक आपका कैंसिल होगा, टेन स्क्वायर एक्स होगा। एक sec x को ही आपने t माना है तो एक t इसका कैंसिल करेगा, या फिर मैं और सिंपल आपको लिख दे रहा हूँ, t की पावर 5 है, इस sec x के यहाँ पर t हो जाएगा इंटू डी टी, इसको एक कैंसिल करेगा तो आएगा क्या, टेन स्क्वायर एक्स इंटू क्या, टी की पावर 4 इंटू क्या, डी टी। लेकिन आपका यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स है और हमें टी के फॉर्म में क्वेश्चन चाहिए, क्या आप समझ पा रहे हैं दोस्तों, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, आप हो सकता है कन्फ्यूज हो रहे होंगे, सुनिए मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, टेन क्यूब एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, एक टेन कैंसिल होगा, यहाँ पर आपका टेन स्क्वायर एक्स हो गया, यहाँ पर क्या है, टी की पावर 5 है और आपने sec x को ही टी माना है तो ये आपका ऑलरेडी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, तो यहाँ पर कुल मिलाकर टी की पावर 5 डी टी अपान टी हो गया, एक टी इससे दोनों को कैंसिल करेगा, बचेगा क्या, यहाँ पर आपका बचेगा टेन स्क्वायर एक्स इंटू टी की पावर 4 इंटू डी टी। लेकिन क्वेश्चन पूरा आपका किस में चेंज होना चाहिए, टी के फॉर्म में चेंज होना चाहिए, किसके फॉर्म में, टी के फॉर्म में, अगर क्वेश्चन एक्स है तो एक्स होना चाहिए, अगर टी है तो पूरा टी, यहाँ पर आपको ध्यान देना है डी टी है ना, तो पूरा क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर तो टेन स्क्वायर एक्स लिखा है तो कैसे हटाएंगे, तो चेंज कर दीजिए, आपको फार्मूला एक पता है, सिंपल सा फार्मूला आप जानते हैं, क्या है फार्मूला आप ये जानते हैं, माना हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, फार्मूला ये है दोस्त कि आपको पता है sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, या फिर आप ऐसे लिखिए sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये फार्मूला आपको पता है। हम इसमें से चाहते हैं कि टेन स्क्वायर एक्स लिखें, तो टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, इसमें से आप लिखेंगे टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, इस फार्मूले से ये चीज़ आपको पता भी होगा, तो सिंपली टेन स्क्वायर एक्स की जगह पर आप लिख दीजिए sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। आप कहेंगे आपने sec ही क्यों रखा, और भी कुछ हम रखते थे या कुछ और भी रख सकते थे, sec इसलिए रखा क्योंकि sec x बराबर आपने t माना है, जैसे ही sec की जगह पर आप क्या, आपने जो t माना है उसकी जगह पर आप t रख देंगे और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, तो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इसकी जगह पर हमने रख दिया सिंपली यहाँ पर। अब यहाँ पर sec x की जो है उसको t जो आपने माना है, इसको आपने जो t माना है इसकी जगह पर रखेंगे तो ये t स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्या, t की पावर 4 इंटू क्या, dt। क्या आप, अब आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन दोस्त, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका t के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब सिंपली इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, ये t की पावर 4 है, ये t स्क्वायर है, ये t की पावर 6 हो जाएगा, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, t की पावर 4 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा, dt।
इंटू क्या हो जाएगा डी टी। इसका इंटीग्रेशन आपको नहीं पता, ये तो आपको पता ही है भाई, टी की पावर 6 है उसका इंटीग्रेशन होगा टी की पावर 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1। उसका इंटीग्रेशन माइनस टी की पावर 4 का क्या होगा, टी की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 और प्लस क्या सी। तो कंप्लीट अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, अगर हम बात करें यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर आंसर की कितना आएगा, तो यहाँ पर आप देखिए टी की पावर जो 6 प्लस 1 है वो आपका हो जाएगा टी की पावर 7 अपॉन 7 और ये माइनस टी की पावर 5 अपॉन 5 और प्लस क्या सी, प्लस क्या सी। और यहाँ पर टी आपने क्वेश्चन किस फॉर्म में था एक्स, तो हमें आंसर किस फॉर्म में देना होगा एक्स के फॉर्म में। तो यहाँ पर आपका टी आपने किसको माना था सेक एक्स को, तो सिंपली ये टी जो आपने है उसकी जगह पर सेक एक्स लिख दीजिए बस। तो सेक एक्स लिखेंगे तो सेक की पावर 7x अपान 7 माइनस सेक की पावर 5x अपान 5 और प्लस क्या सी, प्लस क्या सी। इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर आप देख लीजिए, यही आपका आंसर है, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया, एक 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 16 नंबर को अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी देख लीजिए, इसको मैं हटा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करते हैं, चलिए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन ये है दोस्त, आपको लिखा है sec x और log के अंदर आपको दिया है sec x प्लस क्या tan x इंटू क्या dx। ये क्वेश्चन आपको दिया गया, ये आपका log लिखा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। चलिए इसको बताइए, sec x इंटू लॉग के अंदर आपका लिखा है sec x प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। इस क्वेश्चन में किसको टी माने कैसे लगाएं आप बताइए, समझिए क्वेश्चन को, ध्यान सुनिए। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, इस पूरी वैल्यू को आपको टी मानना पड़ेगा। मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना, जितना क्वेश्चन आप लगाएंगे तभी आप समझ पाएंगे किसको टी मानना है, अन्यथा आप कन्फ्यूज रहेंगे। ऐसी कोई इसमें कहानी नहीं है या कोई ऐसा इसमें फार्मूला नहीं है कि आपको डायरेक्ट बताया जाएगा कि ये फार्मूला लगाइए और इसी को टी मानना है। ये आपको समझना पड़ेगा किसको टी माने जिससे कैंसिल हो सभी कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम पूरे इस वैल्यू को अर्थात यहाँ पर लॉग sec x प्लस टेन एक्स इक्वल टू को टी, अर्थात इस पूरी वैल्यू को अगर हम टी मानते हैं तो क्या होगा, तो बताइए लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाई एक्स। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, लॉग एक्स, एक्स ये पूरा हो गया अर्थात हो जाएगा वन अपान सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ओके। अब यहाँ पर लॉग एक्स का हो गया वन बाई एक्स, लेकिन जो अंदर ये पार्ट है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका क्या होगा, सेक एक्स का होता है दोस्त सेक एक्स इंटू टेन एक्स। एक मिनट, थोड़ा मैं इसको बड़ा लिखता हूँ जिससे चीज़ें आपको क्लियर वे में दिखे, एक मिनट। ये आपने क्या किया, इसको आपने मान लिया, माना इतनी वैल्यू जो आपकी है सेक एक्स है, ठीक है। अब अगर वो sec x है तो उसका हम डिफरेंशिएशन पहले करेंगे जैसे सबका करते हैं। अब इसको हमने t माना है तो इसका हो गया 1 अपान sec x प्लस tan x पहले हो जाएगा, क्योंकि log x का 1 बाई एक्स होता है, इंटू अब ये जो अंदर पार्ट है sec x प्लस tan x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सिंपली यार ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर sec x है तो इसका sec x इंटू tan x हो जाएगा, ठीक है, sec x इंटू tan x हो जाएगा, ठीक है। प्लस क्या होगा, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, ठीक है, इंटू क्या dx इक्वल टू dt। इतना आपकी वैल्यू यहां पर आ जाएगी। अब बताइए क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, तो हाँ ध्यान से देखिए, अगर इसमें ऊपर sec x आप कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा sec x प्लस tan x, ओके, और नीचे ये ऑलरेडी आपका कितना दिया है sec x प्लस tan x और इक्वल इंटू dx इक्वल टू dt, यही दिया है। कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल, ये पूरी की पूरी वैल्यू आपकी कैंसिल होगी। अब बचेगा sec x, मतलब आप लिख सकते हैं dx इक्वल टू dt अपान sec x, क्या लिख सकते हैं ऐसा आप, बिल्कुल ये वैल्यू आप लिख सकते हैं। अब सिंपली यहां पर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब यहां पर sec x था, हमने sec x लिख दिया, ये आपका sec x है, हमने sec x लिख दिया, इंटू ये पूरी वैल्यू को आपने क्या माना था, इस पूरी वैल्यू को आपने t माना था, हमने t लिख दिया, इंटू डी एक्स की वैल्यू आपने इसको सॉल्व किया, कितना आया ये आपका डी टी अपान कितना आया sec x आया, कंप्लीट। sec x से sec x कैंसिल हो गया,
बचेगा क्या यहाँ पर टी डी टी, टी डी टी ये वैल्यू आपको यहाँ पर बचेगी। इसका डिफर इंटीग्रेशन करेंगे तो टी का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू प्लस क्या सी। टी की वैल्यू क्या था जो आपने टी माना है, लॉग सेक एक्स प्लस टैन एक्स, ठीक है। इसका क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, लॉग पूरे का पूरा, लॉग सेक एक्स प्लस टैन एक्स इसका पूरे का होल स्क्वायर और अपान में क्या नीचे टू, टू का होल स्क्वायर नहीं किया गया, ध्यान दीजिएगा वन बाई टू बाहर है। यहाँ पर जो लिखा है ये आपका लिखा है लॉग सेक एक्स प्लस टैन एक्स का होल स्क्वायर अपान टू प्लस सी, इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन यहाँ पर लगाना है, ये कंप्लीट इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। कैसे समझना है ये आप प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन को लगाइए, ठीक है। देखते हैं अच्छा कोई और क्वेश्चन हो तो उसको भी देखते हैं। ठीक है दोस्त, एक नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, सिंपल ये भी क्वेश्चन है लेकिन समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया उसको देखिए। यहाँ पर जैसे कि अभी हमने पिछला ही क्वेश्चन इस टाइप का बताया था आपको, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, वैसे उम्मीद है आप क्लियर तुरंत लगा लेंगे। एक्स की पावर सेवन दिया है, नीचे आपका एक्स की पावर कितना दिया होगा आप सोचिए, एक्स की पावर नीचे 16 दिया है इंटू डी एक्स। बताइए क्या करेंगे, पिछला ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जस्ट इससे पिछला, किसको टी मानेंगे। तो सबसे पहले टी मानने से पहले आपको यहाँ पर हीरो बनना है, हीरो का मतलब यहाँ पर पहले इस वैल्यू को लिखना होगा कुछ, वन प्लस एक्स एक्स पावर जो एक्स की पावर 16 है इसको एक्स की पावर 8 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स लिखना होगा। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, चूँकि 16 को अगर हम टी मान लेंगे एक्स की पावर 16 को, तो इसमें डिफ्रेंसिएशन एक्स की पावर 15 आएगा और वो कैंसिल नहीं करेगा, लेकिन अगर एक्स की पावर 8 का होल स्क्वायर करेंगे इसको टी मानेंगे तो ये ऊपर कैंसिल होगा। इसी टाइप का ये क्वेश्चन इसीलिए बनाया ही जाता ऐसे, ओके। तो दो चार क्वेश्चन जब आप लगा लेंगे तो आप समझ जाएंगे किसको टी मानना है। अब सिंपली एक्स की पावर आप लिखेंगे, माना एक्स की पावर 8 इक्वल टू टी, इसका डिफ्रेंसिएशन 8 एक्स की पावर 7, क्या आप इसको पता है, ये फार्मूला तो आपको पता ही है ना दोस्त, डिफरेंशिएशन का फार्मूला डी वाई बाई डी एक्स एक्स की पावर एन डी एक्स। देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट को पता है लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं भूल जाते हैं, तो चीज़ों को कोई दिक्कत नहीं, समझिए याद कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, भूलना तो पड़ता ही है, कुछ चीज़ें भूल जाते हैं फिर से रिवाइज कर लेंगे, ओके। तो एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, कोई गलत बात नहीं, आप भूल जाते फिर से याद हो जाएगा ना। तो एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो इसीलिए आपका एट एट हो गया, एक्स की पावर एन माइनस वन मतलब एट माइनस वन, इसीलिए हो जाता है एट एक्स की पावर सेवन, इसीलिए हमने लिखा इसका एट एक्स की पावर सेवन डी एक्स इक्वल टू डी टी, ओके। ये फार्मूला आप याद रखिए, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स की पावर एन माइनस वन, वैसे याद होगा आपको, ये तो याद ही होगा, छोटा फार्मूला है, सबसे बेसिक सबसे छोटा। यहाँ पर डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी टी अपान एट एक्स की पावर सेवन। सिंपली यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये एक्स की पावर सेवन हो गया, नीचे वन प्लस यहाँ पर हो जाएगा एक्स के एट के टी स्क्वायर, ठीक है, इंटू यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डी एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, डी टी अपान एट एक्स की पावर सेवन, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ध्यान से देखिए। अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्त कि हमने इसको ही क्यों एक्स पावर एट को क्यों टी माना था, क्योंकि एक्स पावर सेवन को हमें उड़ाना था, बोले तो कैंसिल करना था, ये दोनों कैंसिल, बचा क्या, बचा क्या, वन बाई एट है, हम वन बाई एट को बाहर कर देते हैं, वन बाई एट डी टी अपान वन प्लस टी स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, वन बाई एट, हमने अभी जस्ट इससे पहले फार्मूला बताया था, वन बाई एक्स स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, वन अपान एट टेन इनवर्स एक्स वाई ए प्लस सी होता है, वन अपान एट टेन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी, ठीक है। तो वही फार्मूला यहाँ पर लग रहा है, तो ए की वैल्यू तो वन है, तो सिंपली आपका हो जाएगा टेन इनवर्स टी प्लस सी। कंप्लीट आंसर की बात करें तो वन बाई एट टेन इनवर्स टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू आपने किसको माना था, एक्स की पावर एट को, तो एक्स की पावर एट प्लस सी, मतलब ए वन बाई एट टेन इनवर्स एक्स की पावर एट प्लस सी, इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर, ठीक है।
ये हमने अभी आपको ये इतने क्वेश्चन जो डिस्कस किए ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आए, चीज़ें आपने सीखा होगा। वीडियो यहाँ तक आपने देखा तो आप अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, लगाइए। बेसिक इलेक्ट्रिकल की वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट एक बार जरूर देखें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन रखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको कोई वीडियो अगर मिस होती है तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जस्ट इसके बाद तुरंत आपको वहाँ पर टेलीग्राम पर भेज दिया जाता है। धन्यवाद।